काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है और हमारे घर में बिल्लियों का एक हादसा हो गया। बिल्ली जो जिस बिल्लियों की वीडियो में बना दी थी माँ और बच्चों के साथ, तो उसकी वो तीनों के तीनों बच्चे आज सुबह से लापता है। लापता है और वो काफ़ी, उसकी माँ काफ़ी तड़प तड़प के रो रही है। मैं अपील करती हूँ आप सब सब व्यूवर्स से कि दुआ कीजिए कि उनको, तीनों बच्चों को सलामत मिल जाए। कभी किसके घर जा रही है, कभी बाहर फिर रही है, काफ़ी चीखें लगा रही है, काफ़ी बुरी हालत में। और ये बच्चे इस तरह के बच्चे थे कि ये बेसमेंट में ही पैदा हो गए थे, बेसमेंट में ही रहते थे। गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, ये सारा दिन बेसमेंट में ही सोए रहते हो। अभी पता नहीं माँ के साथ सुबह घूमने के लिए चले गए, एक हफ्ते से लोग इसी तरह कर रहे हैं, माँ के साथ घूमने के लिए सुबह जाते हैं। आज जो सुबह गए तो बिल्कुल नहीं आए और माँ की हालत काफ़ी ख़राब है, बहुत रो रही है माँ। ये इस बेसमेंट में सोते थे सारे बच्चे, इसकी माँ भी और इसके तीन बच्चे जो मैंने वीडियोस में आप लोगों को दिखाए। मुसलसल 2 हफ्ते की वीडियो बनी हुई है, आप पिछले व्लॉग में जाए तो आपको नज़र आ जाएगा सारी वीडियोस मैंने बनाई है। ये स्ट्रीट गेट थे तो ये जो हमारा बेसमेंट है ये अभी तक रफ पड़ा हुआ है, साफ़ सुथरा है लेकिन रफ पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा इसलिए बच्चे जो पैदा हो गए तो इनको मैं बेसमेंट में शिफ्ट करवा देती हूँ, माँ के साथ खुश रहेंगे। मैं खाना देती थी और ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे इस बेसमेंट में। और ये देखें इनके ये भी पड़े हुए हैं, ये कारपेट के छोटे छोटे टुकड़े मैंने रखे। मैंने कहा यहाँ पे बस इन 2 कमरों में ये लोग इंजॉयमेंट करते थे, माँ बच्चे। अचानक इसके साथ ऐसा हुआ एक हादसा कि माँ आप देखो नहीं इस टाइम, मैंने ये माँ इस टाइम सो जाती है बेसमेंट में और बच्चे भी सो जाते हैं या खेलते, और ऊपर धूप में आते भी नहीं है बच्चे। इतने आदत है आराम की ज़िंदगी का, पता नहीं बहुत छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे चले गए होंगे, क्या हो रहा होगा इनके साथ। आप लोगों से अपील है कि दुआ करें कि बच्चे वापस आ जाए अपनी माँ के पास। इस तेज़ धूप में ये बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, वो छोटे थे ना तो उनको शायद घर मालूम ही नहीं है। तो अभी माँ जो रोड पे गई है, जहाँ जहाँ वो जाती है ना अपने इलाके, वहाँ चली गई है जहाँ जहाँ अपने बच्चों को ले जाती है। हो सकता है क्या पता शाम तक आ जाए और मिल जाए बच्चे। आप लोगों से अपील है दुआ कीजिए। देखिए काफ़ी तेज़ कड़कती हुई धूप है, ये बच्चे आदत भी नहीं है इस धूप की, इनको बस खाना मिलता था और सोते थे। तो हमने सोचा चलो इनको स्ट्रीट कैट है, इनको आराम की ज़िंदगी मिल जाएगी, तो वो भी इन पर हराम हो गया। मुझे पकड़ने भी दिख रहा है ना, तो फाइनली ये बच्चे मिल गए यहाँ पे। ये इसकी मम्मा, फाइनली ये बच्चे मिल के रात के टाइम, ये बच्चे खुद ही आए। मैं आप लोगों से बोल रही थी ना फॉलोअर्स की ये बच्चे कहाँ हैं, तभी बच्चे अपनी माँ को देख रहे। जो तीसरा बच्चा है वो नीचे नहीं आ सक रहे तो रो रहा है, तो माँ जो ये 2 बच्चे जो है ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मामा का। तो अभी देखते ही ये किस तरह से वहाँ से ले जाएगी शायद अपने बच्चे को, बिल्कुल मुश्किल हो गया। पर अभी डरा दे तो हाँ मैं उठाऊंगी। ये देखिए आप देखते हो आप, हाँ हाँ आता है इनको तरीका, अभी आता कैसे रखा वो खा ले। हाँ तो ये इसकी मम्मा इसको कोशिश कर रही है कि ये बच्चा इधर आ जाए, वे खुद ही आ जाएगी, आ जाएगा बच्चा। देखिए माँ कोशिश कर रही है कि इस बच्चे को नीचे उतारो, लेकिन बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, वो कैसे इनके मुंह में आएगा। ये रहा देखो, ये रहा, अब इसको बुलाएगी, अब जैसे ही आएगा मैं इसको पकड़ती हूँ, मैं ही पकड़ूँगी। अच्छा छोड़ छोड़ आने दे इसको, यहाँ पर ये यहाँ तक आ जाएगा ना तो फिर देख, ये खुद ही आएगा, अब यहाँ से छलांग लगाएगा। रोशनी कर दिया मैंने, हाँ तो चले ठीक है। देखिए ये कितना खूबसूरत मंजर है, बच्चों को अपनी माँ फिर से मिल गई। ये रहा अब यहाँ से आएगा, दरख्त से आ जाएगा, चला आके रोशनी कर दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ छोटे बच्चों आ जाओ, देखो आपकी मम्मा आपका इंतज़ार कर रही है। आ जाओ आ जाओ रोशनी करती है, अच्छा क्या पता यहाँ से आ जाए टेरी से। वही वही आप इतनी छोटी से हो, अब यह जगह चाहिए तो मैं उठा रही हूँ इसको, इसको तरीके से करी कि यूँ आ जाए। कह रहे आ जाओ,
इसको मैं कैसे उठाऊं यहाँ से? यहाँ पे आएगा मेरी पकड़। ये रहा, दिया गया क्या जैसे सीख लिए, ये सीख लिया मैं, आऊँ सीख लिए। ये क्या चीज़ है? तो ये भी आ जाएगा, ये चला के माँ सिखा रही है इसको, खिंचा चुछ यहाँ से भी चला। ये सारा बहुत ज़्यादा ना नहीं बनी, यहाँ अभी खुद ही आएगा, या एक बार आएगा जिसको मैं पकड़ लूँ, मैं पकड़ लूँगी। पकड़ 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 लूँ, पकड़ लूँ, थोड़ा उधर भी चले थे। तो गाइस ये सारे बच्चे मिल चुके अपने बच्चों, अब देखो देखो एक एक करके जा रहा है। तो ये रात के टाइम जो था अभी अभी आए ये बच्चे, माँ काफ़ी डिटाल थी और खफा थी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो सत्ता जारिया समझ के देखिएगा। मैं इस यूट्यूब के इनकम से यतीम बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस फाइनली बच्चों को उनकी माँ मिल गई और मैं अभी बहुत सुकून की नींद से सोऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मैंने अभी बिल्ली बेचारी काफ़ी परेशान थी और इसके बच्चे इधर उधर थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा बहुत सेफ्टी में मैंने कहा हम तो सो जाएंगे, ये बच्चे किधर होंगे। नो अल्लाह ने इन बच्चों को मिलवा दिया अपनी माँ से और मैं इस बात पर काफ़ी खुश हूँ। और मैं अभी सोने जा रही हूँ और कल आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ इस ब्लॉग को सबका जारिया समझ के देखा करें, क्योंकि इसी यूट्यूब के इनकम से मैं यतीम बच्चों की मदद करूँगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।